पीएसएल के अंदर दोस्तों साई मयूब जिस किस्म की बैटिंग फॉर्म में चल रहे थे ना, ये तो एविडेंट था कि लोंडा कोई ना कोई रिकॉर्ड जरूर मारेगा या कोई ना कोई रिकॉर्ड जरूर ब्रेक करेगा। तो कर दिया भाई साहब अगले ने, मतलब यंगेस्ट पाकिस्तानी क्रिकेटर बन गया जिसने 100 T20 के अंदर छक्के मारे हुए। हैदर अली से उसने ये रिकॉर्ड छीना है। हैदर अली वही जिसने बेसिकली साई मयूब की टीम को पीएसएल से बाहर किया। पूछे कैसे, नोट करें ज़रा। साई मयूब ने 100 छक्के मारे हैं एट द एज 21 साल 297 डेज। 21 ईयर्स 297 डेज। अच्छा, हैदर अली ने 100 छक्के मारे थे इससे पहले जो रिकॉर्ड इनके नाम के ऊपर था। हैदर अली ने T20 के अंदर 100 छक्के मारे थे 22 साल और 259 डेज की उम्र में। 22 ईयर्स 259 डेज की उम्र में। उससे पहले ये रिकॉर्ड था शादाब खान के पास 24 ईयर्स 30 डेज की उम्र में। और चौथे बैट्समैन जिन्होंने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया हुआ है वो हैं जनाब आज़म खान साहब। 24 ईयर्स 42 डेज की एज में इन्होंने 100 छक्के T20 के अंदर मारे। अब मैं नोट कर रहा था, हैदर अली, शादाब खान और आज़म खान, ये तीनों तो एक ही टीम में ना, इस्लामाबाद यूनाइटेड में, जो कि PSL का फाइनल खेलेगी, ठीक है, मुल्तान सुल्तान के अगेंस्ट। और इन्होंने अभी रिसेंटली जो मैच खेला पेशावर ज़ल्मी के अगेंस्ट, मतलब साई मयूब ने पेशावर ज़ल्मी की तरफ से कूटा इस्लामाबाद यूनाइटेड को, हैदर अली ने जनाब पकड़ के कूट दिया पेशावर ज़ल्मी को। खैर, साई मयूब की मैं आपको एक और बात बता दूं कि इन्होंने 11 इनिंग्स में PSL की 2024 ये जो अभी एडिशन हो रहा है इसके 21 छक्के मारे हैं सर। 21 सिक्सेज, हाईएस्ट नंबर ऑफ सिक्सेज इसी लड़के के पास हैं इस एडिशन में। अच्छा, इसके अलावा इसने 27 चौके भी मारे हैं, 27 फोर्स। टोटल इसने नंबर ऑफ रन्स बनाए हैं 345। इसकी जो बैटिंग एवरेज है वो है 31.3 की PSL के अंदर इस एडिशन में। और इसका स्ट्राइक रेट है 157.53 का। मोटे मोटे जो इसने स्कोर मेजर मारे, 73 एक मैच में मारा ये लास्ट में, फिर प्ले ऑफ के, फिर उससे पहले 30 एक मैच में किया, 46 38 88। इसके अलावा बाकी छोटे मोटे स्कोर्स और फेलियर्स हैं, ठीक है, मोटे स्कोर्स इसके यही हैं। अगर इसकी ओवरऑल में आपको T20s की बताऊं स्टैट्स, 74 मैचेस हैं भाई के, 1961 रन्स हैं, 27 की बैटिंग एवरेज है, 142.9 यानी कि ऑलमोस्ट 143 का स्ट्राइक रेट है, 191 फोर्स ये मार चुके हैं और 101 इनके टोटल छक्के हो चुके हैं T20 के अंदर। साई मयूब है बड़ा एक्सीलेंट किस्म का टैलेंट, लिटरली मैं आप उसके जाकर छक्के देखें, जो नो लुक शॉट मारता है ना, वो बंदा कहता है तू मेरी जायदाद रख ले, ठीक है, तू मेरा सब कुछ ले ले भाई। इसकी नो लुक शॉट के ऊपर प्ले ऑफ में इसने नसीम शाह को एक वो लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का मारा नो लुक शॉट, मतलब ठीक है, ये लेग साइड के ऊपर जो मारता है ना, ये डीप फाइन लेग का एरिया, ये बैकवर्ड स्क्वेयर लेग और ये सारा लेग साइड के ऊपर, वहाँ तो ये नो लुक शॉट मारता है, लेकिन जो उसने लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारा है ना नसीम शाह को, ओहो तबाही छक्का। अच्छा, साई मयूब जो फुलर लेंथ गेंद होती है, बिल्कुल फुलर लेंथ हो जाए या थोड़ी सी फुलर लेंथ से पीछे वाली हो जाए, उसको जो पिकअप शॉट खेलता है ना लेग साइड के ऊपर, कमाल, लिटरली कमाल। टैलेंट है, स्किल सेट है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन बेहतरीन किस्म का है। ओपनिंग स्लॉट में पाकिस्तान को लिमिटेड ओवर्स की क्रिकेट में इस किस्म का बैट्समैन भी चाहिए, थोड़ा इसको अपने आप को पॉलिश करना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है कि PSL की क्रिकेट हो गई, पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट हो गई या लीग क्रिकेट हो गई T20 की, वो एक इंटायरली डिफरेंट किस्म का बिजनेस है। लेकिन जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हैं ना, तो वो एक बिल्कुल डिफरेंट किस्म का मैदान होता है, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में 11 के 11 पहलवान होते हैं। T20 लीग क्रिकेट में, डोमेस्टिक क्रिकेट में, बाकी आगे पीछे ना बंदा मैनेज कर लेता है, क्योंकि फोके बॉलर्स भी होते हैं बीच में, इनएक्सपीरियंस्ड, ठीक है, उनके पास हो सकता है पेस हो, सारा कुछ हो, एक्सपीरियंस ना हो, तो इस वजह से उनको मार-शार पड़ जाती है, तो उनके साथ बंदा एडजस्टमेंट कर सकता है। इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर तो आपको पता है 11 के 11 एक्सपीरियंस भी होते हैं, कुल्हाड़े भी होते हैं, अपनी अपनी जिसे कहते हैं फील्ड के वो बेताज बादशाह होते हैं। इस वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट को डोमिनेट करने के लिए साई मयूब को लगेगा टाइम, एक तो टाइम भी लगेगा, दूसरा इसको रेगुलर आपको खिलाना भी पड़ेगा। अब यहाँ पर आकर फंडा फंसता है खिलाने का। सर, साई मयूब ओपनिंग के अलावा कहीं नहीं खेल पाएगा, ये तो एविडेंट हो गया, नज़र आ रहा है, उसकी बैटिंग स्टाइल से पता चल जाता है कि यार ये ना पावर प्ले का ना जिसे कहते हैं गुरु है, ये आपको पावर प्ले बड़ा ज़बरदस्त, ये आपको स्टार्ट बड़ा ज़बरदस्त दे सकता है। लेकिन मसला ये है कि हमारे ऑलरेडी बाबर और रिजवान, उनके बीच में ओपनिंग स्लॉट जो है वो चल रही है। बाबर ने तो साफ कह दिया है अभी रिसेंटली, आपको पता है कि उसने कहा है कि मैं तो अभी मुझे जो न्यूजीलैंड की सीरीज़ में 1 डाउन के लाया गया था, मेरा मूड नहीं था, मेरा दिल नहीं था,
मैं नहीं वन डाउन खेलना चाहता था। अब ये मसला है क्योंकि रिजवान ऑलरेडी उस सीरीज़ में ओपन कर रहा है। रिजवान ओपनिंग की उसने अपनी जगह नहीं छोड़ी, उसने न्यूजीलैंड की सीरीज़ में भी ओपनिंग की। बाबर को वन डाउन लेकर आया गया, बाबर ने वन डाउन आकर परफॉर्मेंस बेहतर दी थी, 350 की थी, वो वन डाउन ठीक खेल लेता है। लेकिन बाबर आजम का भी जो रिसेंट स्टेटमेंट है उससे पता चलता है कि वो खुश नहीं है वन डाउन आने के ऊपर, वो भी ओपनर खेलना चाहता है। अब अगर बाबर और रिजवान ओपनर खेलेंगे तो साइम अयूब किधर जाएगा? साइम अयूब वन डाउन नहीं खेल पाएगा, साइम अयूब उससे नीचे कहीं पर भी नहीं खेल पाएगा। साइम अयूब खेलेगा तो सिर्फ और सिर्फ ओपनर के तौर पर खेलेगा। अब ओपनर कैसे खिलाएं? आपके दो सीनियर प्लेयर्स जो हैं वो ऑलरेडी ओपनिंग स्लॉट के लिए जिसे कहते हैं तगो दो में लगे हुए हैं, और आगे आपने खेली तकरीबन T20 क्रिकेट है ज़्यादा, T20 इंटरनेशनल फॉर दैट मैटर, न्यूजीलैंड सीरीज़, इंग्लैंड सीरीज़, आयरलैंड सीरीज़, उसके बाद वर्ल्ड T20। तो इस सारे खोपचे में या इस सारे गड़बड़ घोटाले में साइम अयूब किधर जाएगा, ये सवाल है मेन। और यही सवाल जो है ना वो मुझे चुभ रहा है कि अगर बाबर और रिजवान ओपनिंग करेंगे तो भाई साहब फिर साइम अयूब किधर जाएगा, और क्या साइम अयूब फिर इस हिसाब से पाकिस्तान की T20 इंटरनेशनल की टीम का हिस्सा नहीं बन पाएगा? सवाल है ना। तो बाबर और रिजवान में से ना किसी को कुर्बानी देनी चाहिए मेरे सामने। साइम अयूब को ओपनर खिलाएं, मेरा ख्याल है ये ठीक है, अगर बाबर या रिजवान वन डाउन आ जाए या बाबर वन डाउन आ जाए, साइम अयूब को ओपनर के तौर पर खिलाना चाहिए। अगर आप उस लड़के को रेगुलर खिलाएंगे, लड़का आपको रिजल्ट देगा, वो मेरा ख्याल है PSL में भी एविडेंट हो गया, उससे पहले CPL और डोमेस्टिक क्रिकेट में भी हो गया। न्यूजीलैंड की सीरीज़ में नहीं चल सका साइम अयूब, डजेंट मैटर, पहली सीरीज़ थी, वहाँ की विकटें, वहाँ के खिलाड़ी, तो ठीक है वो चांस बनता है। आगे देखते हैं अब साइम अयूब जो सीरीज़ आ रही हैं उनमें खेलता है, और अगर खेलता है तो क्या परफॉर्मेंस देता है। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। इस आउट।